everyone. My name is Rohit Maharaj. I am final year MBBS student from Government Medical College, Bethia. Welcome to our new tutorial, Human Health and Disease. It is a very interesting topic and ये सिर्फ आपको नीट में ही काम नहीं आएगा. अगर आप कॉलेज में आते हो तो उसके बाद भी आपको ये कॉलेज में आने के बाद भी ये काम में आने वाला है. और इससे मतलब चार पांच क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, तो इसको थोड़े अच्छे से देखने की ज़रूरत है कि आखिर इसमें क्या सब टॉपिक हैं और ये कैसे कवर करना है. ठीक है, तो बिल्कुल एनसीईआरटी पे बेस्ड रहेंगे हम लोग, एनसीईआरटी पे फोकस रहेगा हम लोगों का. तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, तो सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन, फिर कॉमन जो डिजीज़ है वो, फिर इम्यून सिस्टम, फिर एड्स, फिर कैंसर, फिर ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज. ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं. तो सबसे पहले ये जो हेल्थ है, आखिर जो हमारा एंशियंट टाइम था, मतलब जो प्राचीन काल थे, तो उसमें आखिर हेल्थ के बारे में कैसे कहा जाता था. मतलब हेल्थ के बारे में एक हाइपोथेसिस थी, ह्यूमर हाइपोथेसिस. ह्यूमर का मतलब एक लिक्विड आप बोल सकते हो, ह्यूमर जो टर्म है इसको आप बोलो लिक्विड. ठीक है, या फ्लूड भी बोल सकते हो. ठीक है, फ्लूड. तो ये जो आपका ह्यूमर हाइपोथेसिस दिया गया था, इनका कहना था कि जो हमारा शरीर है, जो कुछ सर्टेन फ्लूड्स होते हैं उनमें बैलेंस होता है, जिनको गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस भी बोला जाता है, उनमें आपस में बैलेंस होता है, तो हमारा जो मतलब हेल्थ है वो सही रहता है. ठीक है, और हिपोक्रेट्स और इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम, जैसा कि ये इन्होंने इनका ये प्रपोज किया गया था. इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम में आपने सुने भी होंगे वात, कफ, पित्त, ये सब टर्म. तो यही था हमारा ह्यूमर हाइपोथेसिस. उनका कहना था कि ये सारे बैलेंस होते हैं तो ये आपका मतलब हम लोग हेल्दी होते रहते हैं. बट कहा गया कि एक पर्सन है जिसको कि ब्लैक बाइल रहेगा जिसके पास, और हॉट पर्सनालिटी होगा, उसी को फीवर होगा. ठीक है, तो ये बोला गया. लेकिन इसके आगे जब जैसे जैसे साइंटिफिक डिस्कवरी होना स्टार्ट हुआ, तो एक जो हमारे साइंटिस्ट हैं विलियम हार्वे, ठीक है, इन्होंने डिस्कवर क्या किया, सर्कुलेटरी सिस्टम का. ठीक है, अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा तो इन्होंने सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या किया, डिस्कवर किया. तो इन्होंने थर्मोमीटर वगैरह के यूज से इन्होंने डिसप्रूव किया गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस जो था उनको. ठीक है, इन्होंने डिसप्रूव किया कि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि सर्टेन फ्रूट्स होते हैं उनमें बैलेंस होता है तभी आदमी स्वस्थ रह सकता है या हेल्दी रह सकता है. ठीक है, और इसमें हिपोक्रेट्स का काफ़ी जगह पे योगदान है. इनको हम फादर ऑफ मेडिसिन भी बोलते हैं. ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, बट फिर भी आपको जानना चाहिए फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट्स. तो ये था आपका विलियम हार्वे, डिस्कवर किए थे सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सर्कुलेटरी सिस्टम आपका. उसके बाद इन्होंने डिसप्रूव किया गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को. ठीक है, तो अब बात यह आता है कि आखिर हेल्थ है क्या, मतलब हेल्थ का डिफिनेशन क्या है. तो ऐसा नहीं है कि हेल्दी किसी भी पर्सन को आप कह दो कि कोई भी पर्सन हेल्दी है, मान के चलो उसको कोई डिजीज़ नहीं है, चलो वो हेल्दी है. हम लोग ऐसा जनरली सोचते हैं अपने आसपास या सराउंडिंग्स में, बट ये नहीं. WHO का कहना है कि हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कम्प्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. ठीक है, मतलब बिल्कुल पूरी तरह से फिजिकल तो होना रहना ही रहना फिट है, वेलबींग, साथ ही साथ मेंटल और सोशल, ये दोनों टर्म इम्पोर्टेंट है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अब्सेंस हो डिजीज़ का तभी आप कह सको कि ये हेल्दी है. तो WHO का डिफिनेशन क्या है, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कम्प्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली अब्सेंस ऑफ डिजीज. तो ये आपका हेल्थ का डिफिनेशन हुआ बेसिक. अब हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा हेल्थ है ये अफेक्टेड कैसे होता है. ये हमारा हेल्थ जो है, आखिर इसको कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि अफेक्टेड करते हैं या जिनके कारण हम लोग
अनहेल्दी हो सकते हैं, ठीक है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर आपने पढ़ा होगा, जेनेटिक्स में काफ़ी सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स, थैलेसीमिया, फिनाइलकीटोनूरिया, ठीक है, ये सारे डिजीजेस, तो ये आपका हो गया जेनेटिक डिसऑर्डर्स में आ गए। ऑटोसोमल रिसेसिव डोमिनेंट माइटोनिक डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये सारे डिजीजेस। और उसके बाद फिर आपका इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये जो आपका इन्फेक्शंस होते हैं, तो इन्फेक्शंस भी बहुत टाइप के होते हैं, आपका बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, तो ये आपका इन्फेक्शन, ये भी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। लेकिन ये जो लाइफ स्टाइल, ये जो न्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लाइफ स्टाइल से क्या समझते हो? तो लाइफ स्टाइल का मतलब ये हो गया कि आपका जो डेली रूटीन है, ठीक है, जो डेली रूटीन है, मतलब आपने हेल्थ, आप अपने आप को हेल्दी रखने के लिए क्या क्या करते हो। जैसे आपका जो डेली रूटीन है, आप मतलब कितने बजे सोते हो, कब जागते हो, कैसे खाते हो, क्या खाते हो, मतलब ये आप कैसे इन्वायरमेंट में रहते हो, साफ़ सफाई से रहते हो या नहीं, तो ये सारा इसी में आता है, लाइफ स्टाइल में। तो इसको मॉडिफाइड करने से भी, आपका हेल्थ क्या होता है, इम्प्रूव हो सकता है या फिर आप अनहेल्दी हो सकते हो, ठीक है। अब हम लोग आते हैं डिजीज़ के बारे में, ठीक है। तो डिजीज़ जो है बेसिकली दो कैटेगरी में इनको हम ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है इन्फेक्शियस डिजीज़ और दूसरा होता है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। तो आपके जो इन्फेक्शियस डिजीज़ का बेसिकली ये कंसेप्ट है कि अगर ये पर्सन टू पर्सन अगर ये ट्रांसमिट कर सके, ठीक है, अगर एक पर्सन को है, मान के चलिए किसी को है और ये किसी दूसरे में फैल गया, तो उनको हम लोग कह सकते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़, ठीक है, उनको इन्फेक्शियस डिजीज़ बोलते हैं। जैसे बहुत सारे डिजीज़ आपके हो गए, HIV एड्स हो गए, उसके बाद फिर आपका मलेरिया, कालाजार, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ हैं जो इन्फेक्शियस होते हैं, जो आप कॉमनली देखते हो। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ जनरली होते हैं जो मेटाबॉलिक जनरली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से रिलेटेड होते हैं, या फिर आप कह लो इंडोक्राइन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर होते हैं, या फिर कैंसर, इवन कैंसर, कैंसर जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बिल्कुल भी नहीं फैल सकता है। इंडोक्राइन में आपका जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस, तो डायबिटीज़ वगैरह भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं हो सकता है। फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आपका जैसे गॉलस्टोन्स वगैरह, तो ये आपके नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में आ गए। और इन्फेक्शियस में हो गए कि आपका एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो रहा है, तो इनको इन्फेक्शियस कहेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपका ये हो गया नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं कर सकता है, ठीक है। इसके आगे हम लोग देखेंगे इम्यून सिस्टम के बारे में, हम लोग इम्यून सिस्टम से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। ओके, थैंक यू।